हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईयर 2017, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी पेपर। ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन के अंदर हम एक देखने की कोशिश करेंगे कि आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या लेवल है क्वेश्चन का। एज यू ऑल नो, जो लेवल है वो तो बहुत सिंपल है ना, सिंपल क्वेश्चन आते हैं टेट के, बट फिर भी कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि हाउ टू एक्चुअली सॉल्व द एग्जाम एंड द क्वेश्चन पेपर। आज के क्वेश्चन पेपर में आप ये भी एनालाइज करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, कितने लेवल का क्वेश्चन है, क्या है, वो सारी चीजें आपको आज क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेंगे। ठीक है जी, तो दिस इज द एचपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द ईयर इज 2017 ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपका This is your 2017 question paper, ठीक है, biology का। So let us start with the very first question is which physician discovered the circulation of blood? यानी कि आपका जो question है it is general है ना, scientific है, scientist पे question आया है कि scientist कौन है जिन्होंने आपका blood की circulation को discover किया। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है question से कि आपके लिए जो discoveries हैं या origin है या inventions हैं, they are very important। चाहे आप कोई भी topic कर रहे हो, चाहे आप cell कर रहे हो, cell division कर रहे हो, आप जेनेटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, या आप म्यूटेशन कर रहे हैं, या आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर आप कुछ भी करेंगे, मेक श्योर कि आप उसके अंदर साइंटिस्ट कर रहे हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विलियम हार्वे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद If the diploid number of flowering plant is 36, what would be the chromosome number in its endosperm? Now, ये question बहुत repeated है, बहुत बार आ चुका है, बहुत questions में आ चुका है, ठीक है, question papers में आ चुका है। यह question ध्यान से पढ़ो, what if the number, कैसा number है diploid? Diploid का मतलब है 2n of a flowering plant. Flowering plant का मतलब होता है angiosperms. एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, इज 36 है ना, अगर डिप्लॉयड नंबर 36 है, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंजियोस्पर्म। तो अब अगर हमने जनरल कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म्स के किए हैं, तो वहां से हमें ये पता चलेगा कि जो आपके एंडोस्पर्म है इसका नेचर कैसा होता है। तो दिस इज आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स करने पड़ेंगे। जनरल कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म्स के अंदर अगर आप देखें तो ये वो कह रहा है कि जो आपका डिप्लॉयड है दैट इज 36, क्रोमोसोम नंबर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होगा। तो एंडोस्पर्म का नेचर एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, उसका नेचर होता है आपका इट इज ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो इसका आंसर ये है जो आपका दैट इज एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है, इट इज ट्रिप्लॉइड का मतलब है ट्रिपल यानी 3n। तो अब हमको इसके 3n का नेचर बताना है, जो एंडोस्पर्म होगा वही तो उसके अंदर उतने क्रोमोसोम होंगे, वही तो मतलब वही चीज है उसकी। तो यहां से अगर आप n की वैल्यू निकालते हो तो n की वैल्यू क्या निकलती है 18। नाउ फिल दिस वैल्यू इन 3n, दैट इज 3 × 18, 18 × 3 = 54, आंसर इज 54। अगर आपको यहां पर आता कि गैमेटोफाइट, गैमेट का कितना है, ठीक है, तो गैमेट्स के अंदर आप क्या बोलते हैं हैप्लॉइड, फिर आपका आंसर 18 होता, यही होता है हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेट्स का जो नेचर होता है वो कितना होता है, गैमेट्स का नेचर होता है इट इज हैप्लॉइड। और अगर स्पोर्स पूछते हैं हमसे तो स्पोर्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, है ना, स्पोर्स और आपके गैमेट्स का। तो ये क्या है, दिस इज फ्रॉम योर जनरल कैरेक्टर्स। अब यहां से एक चीज समझ आती है कि न्यूमेरिकल है, ये देख के डरना नहीं है कि बहुत टफ न्यूमेरिकल है, टफ नहीं है। ठीक है, द थिंग इज कि ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये आपके कंसेप्चुअल बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है, ऑब्वियसली आपसे कंसेप्ट पूछा गया है तो इसमें घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, है ना। तो ये क्या है, पूरा आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ चुका है। अगर आपको यहां पर गैमेट का आता तो आंसर 18 होता, ये भी याद रखना। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन कहां होती है प्लांट के अंदर, दैट इज फ्रॉम फ्लावर, तो आंसर इसका फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज। अब देखो पूछा गया है मेनी पल्सेस, ये कह रहे हैं कि जो डेली यूज में पल्सेस हैं वो आपकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन है आपका एंजियोस्पर्म से, फिर से प्लांट डाइवर्सिटी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स से, वहां से आपको ये क्वेश्चन आया है। अब आपको क्या है, ये सारी की सारी फैमिलीज हैं आपके, आपको पता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये सारी की सारी फैमिलीज है।
आपको यहां से क्वेश्चन करना है। अब देखना जनरल कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन है ये कि कौन किसके अंदर क्या आता है। द आंसर इज फैबेसी। फैबेसी के अंदर यू ऑलवेज स्टडी दी पल्सेस। फिर से जनरल कैरेक्टर पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके लिए क्या रेलेवेंस है, आपके लिए प्लांट डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आपको प्लांट्स की डाइवर्सिटी के अंदर जो प्लांट क्लासिफिकेशन है वो डिटेल में करनी पड़ेगी। बहुत डिटेल में नहीं, देखो डिटेल हम किसको कहते हैं, जहां पर आप उसके मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें करते हो। पर आपको आपके एग्जाम के लिए, टेट एग्जाम के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजिली क्रैक दिस एग्जाम। बस आपकी जो स्ट्रेटेजी है दैट शुड बी राइट, और इन अ राइट पाथ और इन अ राइट डायरेक्शन। तो उसके लिए क्या करना है, आपके लिए चीजें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें। सो आई ऑलवेज सेज कि क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है, और वो क्या नहीं करना है वो आप कैसे एनालाइज करोगे क्वेश्चन पेपर से। फिर भी पता ना चले, है ना, अब किसी को हमेशा आप उस चीज पे करेक्ट हो ये भी जरूरी नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए हम है, ठीक है। आई एम गोना टेल यू कि क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दैट आर रेलेवेंट इंपॉर्टेंट, है ना, जिसके करने से आपकी चीजें ठीक हो सकती है। अब ये सारी की सारी चीजों के सारे पढ़ोगे, कुछ तो ऐसा होगा ना जो नहीं पढ़ना है इसमें भी, ठीक है। तो वो मैं आप बताऊंगी जब आप क्लास में आएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन सी चीज कहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो हम सारी क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। तो एक जनरल सा है, जो बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं दे कैन इजीली सॉल्व दिस, क्योंकि मैंने ये चीजें पढ़ाई हुई है क्लास के अंदर। तो जनरल क्वेश्चन एप्लीकेशन आया है, कैटेगराइजेशन आई है कि बहुत से जो पल्सेस हैं वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। द आंसर इज फैबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच्योर ओवरी फॉर्म्स दी, ओवरी क्या बनाती है, है ना, ओवरी जो है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ये तो आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज फ्रूट। नेक्स्ट इज अ कंजॉइंट एंड ओपन वास्कुलर बंडल, है ना, यानी वास्कुलर बंडल के अंदर क्या आते हैं आपके, जाइलम प्लस फ्लोएम। वो ये कह रहे हैं इट विल बी ऑब्जर्व्ड इन, किसमें देखा जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, कहां देखने को मिलते हैं आपको वास्कुलर बंडल। क्लास 11th क्वेश्चन है, जनरल एनसीईआरटी आपसे पूछा गया है। जाइलम और फ्लोएम को अगर आपको एनालाइज करना हो तो आप कौन सा सेक्शन लोगे, आप रूट का लोगे या स्टेम का लोगे, मोनोकॉट लोगे या डायकॉट लोगे। आंसर इज डायकॉट। डायकॉटिलेडन स्टेम के अंदर यू कैन इजिली सी द कंजॉइंट एंड द ओपन ओपन वास्कुलर सिस्टम, ओपन वास्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एज वेल एज फ्लोएम। क्लास 11th है आपका, स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड ऑफ वल्चर्स, है ना, वल्चर्स जब आप फूड चेन करते हो, वल्चर्स हम सबसे एंड में करते हैं, एंड में, यानी दे एक्चुअली फीड ऑन डेड एनिमल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। व्हेन वी पील द स्किन ऑफ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव, देखो जब हम पोटैटो ट्यूबर को जब हम पील करते हैं तो उसमें से उसकी कौन क्या चीज को, स्किन जो हम रिमूव करते हैं, दैट स्किन रिप्रेजेंट व्हाट, तो दैट स्किन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द पेरिडर्म लेयर। और ये जनरल कैरेक्टर है आपका सोलनेसी फैमिली के अंदर, पोटैटो जो होते हैं वो आपके सोलनेसी फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये सोलनेसी फैमिली द फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये वहां से आपकी आई है, ठीक है। तो यहां से जब आप पील करते हो तो आपको ये मिलता है पेरिडर्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स, डेड प्लांट की टर्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट पे करेंगे फिर तो क्या लेंगे, सैंड वुड, नो, ह्यूमस, ठीक है। विच ट्री इज द नेचुरल प्योरीफायर ऑफ वॉटर, वॉटर को कौन, ट्री है, कौन सा ट्री जो है नेचुरल प्योरीफायर है वॉटर का, आंसर इज यूकेलिप्टस। डायरेक्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, वहां पर आप ये सारे ट्रीज के अंदर आप ये चीजें पढ़ते हो, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं हम, डोंट वरी। अगर किसी को लगता है कि ये कैसे पता चलेगा, अब यही तो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चंस देखते हैं ना हम जितने बच्चे तैयारी करते हैं वो ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं, हमने एंजियोस्पर्म्स कर लिए ये तो हमने पढ़े नहीं, तो यही तो बात है, इसी के लिए तो हम है। देखो इफ वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर सो इट मींस कि बहुत सारी एनालिसिस करने के बाद आई एम ओवर हियर कि मैं आपको वो चीजें बता सकूं, है ना। और यही चीज क्लासेस के अंदर भी होती है, व्हेनेवर यू एंटर इन योर क्लास, व्हेनेवर व्हेन एनीवन इज एंटरिंग इन द क्लास, ऑब्वियसली यू पीपल आर एक्चुअली शोइंग सम काइंड ऑफ फेथ ऑन अस, ठीक है, कि हाँ ये अच्छा करवाएंगे या कुछ भी।
तो अगर आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फेथ कि आपको ये होगा कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ से कुछ आपको नॉलेजेबल चीज मिल जाएगी, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। द थिंग इज कि आपको क्या मिलेगा यहाँ से, सबसे पहले तो आइडिया मिलेगा कि हाउ टू एक्चुअली एनालाइज द पेपर, है ना। और दूसरी चीज ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि किन चीजों पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक आपको पूरा का पूरा पैटर्न मिल जाता है। व्हेन एवर यू सर्च फॉर पीवाईक्यूज यू जनरली नॉट फाउंड, है ना। कई बार मिल भी जाता है, बहुत से ऐसे साइट्स हैं जहां पर आपको पीवाईक्यूज विद आंसर की मिल जाएंगी, बात वो नहीं है। बात ये है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होते हैं जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो, और आप इस स्ट्रेटेजी को भी अपना सकते हैं अगर आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आंसर पता होगा, ठीक है। अब अगर नहीं होता है उस केस में चीजें कैसे करनी है वो भी आ जाता है जब आपके कंसेप्ट, बात कंसेप्ट क्लियरेंस की है और उस कंसेप्ट डिफिकल्ट से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को या टॉपिक को या कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम ओवर हियर टू टीच यू पीपल। क्योंकि बायोलॉजी बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट भी लगती है, बहुत से बच्चों को ईजी भी लगती होंगी, बहुत से बच्चों को बोरिंग लगती है, बहुत से बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगती होगी। अब आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ आपके पैरामीटर्स होते हैं, दैट आर एसेंशियल पैरामीटर्स। उस एसेंशियल में अगर बायोलॉजी इज कमिंग और आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है, और फिर भी आप क्योंकि अब वो दैट इज द नीड ऑफ योर एग्जाम, आपको करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए भी सिंपल से सिंपल चीज जो है आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आई ऑलवेज ट्राई दैट, ठीक है। तो जब आप क्लासेस में भी आते हैं, जो बच्चे क्लासेस लगाते हैं एंड देन दे आर वॉचिंग द वीडियो, दे कैन इजिली से और दे कैन दे विल नो कि दे आर एक्चुअली नो कि वो चीजें कैसी होती है। तो बात वो नहीं है कि कैसी चीज है, बात ये है कि आपको अभी लग रहा होगा ये क्वेश्चन हमने पूरे हमने तो वहां पढ़ा ही नहीं है, बट यू हैव टू रीड, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर से भी आपको याद, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जब आप प्रोटीन पढ़ते हो वहां पर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में दो एंड्स होते हैं, एन एंड सी टर्मिनल, ठीक है, एन और सी। तो प्योर प्रोटीन के अंदर एन भी होगा और सी भी होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव टू एंड, वन एंड, थ्री एंड, नो एंड। अब मान लो ये क्वेश्चन, जस्ट इग्नोर फॉर टू जस्ट वन सेकंड, अगर मैं क्लास में आपको ये चीज बता रही हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स में आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन, प्रोटीन का जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर यूजली हैव टू एंड, दैट इज एन एंड सी, तो इनसे बनती है आपकी पूरी की पूरी प्रोटीन। अब मैं आगे आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ वो छोड़ दो यहां से। अब ये क्वेश्चन आया, नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, द आंसर इज टू एंड्स, एन एंड सी, बस दो ही एंड्स होते हैं इसके। नेक्स्ट इज फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, कंप्लीट वर्ड इज कंप्लीट, पार्शली, रिलेटिवली, कंप्लीटली, पूरी तरह डाइजेस्ट ना होता है, इट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज फ्रॉम योर ह्यूमन फिजियोलॉजी और डाइजेस्टिव सिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन, वट आर कॉल्ड एज द किचन ऑफ सेल, किचन क्या होता है जहां पर खाना बनता है, और किचन ऑफ द सेल्स यहाँ पर है आपके क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्या होती है आपकी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ फूड एंड ऑटोट्रॉफिक, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल, और फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। तो ये आपके टॉपिक है। तो जब आप क्लोरोप्लास्ट या फोटोसिंथेसिस जब भी हम करेंगे, ऑब्वियसली PS1 PS2 आपको दोनों करने हैं, वहां से भी आपको डार्क लाइट रिएक्शन आती है, वहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो लेवल जो होगा वो ऑब्वियसली यू कैन नॉट, देखो यू कैन नॉट एनालाइज द लेवल ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। अगर ये लेवल है फिर आप इस बार भी इजी ही आएगा, या ये टफ है अगली बार भी टफ आएगा, यू कैन नॉट, एग्जामिनर आपकी दिमाग के साथ खेलता है। आपको इजी, टफ, मॉडरेट, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, एंड नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, ऑलवेज Always and always focus upon on your input methods, है ना? आप कितना उसमें input दे रहे हैं वो matter करता है, और input की direction क्या है वो भी matter करती है। भागे जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, गलत direction में दौड़ रहे हो तो ना तो direction मिलेगी, ना कभी aim पे पहुंचोगे, और वो दौड़ जो दौड़ भी रहे हो energy भी waste हो रही है और मिलेगा भी कुछ नहीं। तो इसलिए जब भागो भी तो right direction में भागो। The answer is A, that is chloroplast. नेक्स्ट वन इज विच वन इज अ ट्रू फिश, दिस इज फ्रॉम योर एनिमल किंगडम, पहले बता देती हूँ क्लासिफिकेशन है, दैट दिस इज फ्रॉम फिश, सारी की सारी फिश आपकी कौन सी फाइलम से आती है, दैट इज फ्रॉम डिविजन पाइसेस, ठीक है, पाइसेस में से पूछा गया, पाइसेस में भी ऑस्टिक थाइस, कॉन्ट्रैक्ट थाइस, ये दो तरह की होती है आपकी, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। अब ये सारी चीजें जो है ना ये आपकी क्लासेस हैं, फर्दर सब क्लासेस, सब डिविजन हैं। अब आपको किसमें पूछा गया, ट्रू फिश,
ट्रू का मतलब क्या हुआ, बोनी या कार्टिलेजिनस। और जनरल क्वेश्चन, जनरल कैरेक्टर से द आंसर इज डॉगफिश सबसे पहले। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो दीज आर दी बेसिकली एग्जाम्पल्स, ये ना एग्जाम्पल्स हैं हर एक डिवीजन के अंदर जो पाइसिस के अंदर आती है। अब पाइसिस के अंदर जो ट्रू फिश वाले डिवीजन है उसका एग्जाम्पल डॉग फिश जो लिया गया है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, बाकी दो चार ऐसे उठा लिए वहां से इधर, और बिल्कुल सिमिलर सिमिलर उठाए ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन रहे। ठीक है, आंसर है सी, दैट इज डॉग फिश। मिडल लैमेला मेनली कंटेन्स, अब मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, अब आपको पता ही नहीं मिडल लैमेला क्या है तो आपको क्या पता होगा उसमें होता क्या है। मिडल लैमेला इज द पार्ट ऑफ योर सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के अंदर मिडल लैमेला होती है, एक पार्ट है इसका मिडल लैमेला, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। मिडल लैमेला बेसिकली कंटेन द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बट मेजरली इट कंटेन्स द कैल्शियम पैक्टेट भी बोलते हैं इसको, ज्यादातर कैल्शियम, कैल्शियम, इट इज नॉट कैल्शियम, इट इज कैल्शियम, हाउ यू प्रोनाउंस कैल्शियम इज कैल्शियम, है ना, द आंसर इज ए, दैट इज कैल्शियम। ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग ड्यू टू, सिंपल क्वेश्चन, सीएफसी, एसी, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर जिसको आप बोलते हैं वहां से जो निकलती है आपकी सीएफसी उसके अंदर ओजोन डिप्लीशन उसकी वजह से होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया विच रिड्यूसेस द नाइट्रेट्स इन सोइल टू नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो आपके नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन के अंदर। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर पढ़ते हैं द एलिमेंट्री नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, क्योंकि एज एन आप जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है इसको आप एज इट इज कंज्यूम नहीं कर सकते, तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द सम अदर फॉर्म, उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अंदर उल्टा पूछा गया है, यानी कि नाइट्रेट या नाइट्राइट उसको वापस से किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के अंदर। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन या डीनिट्रिफिकेशन, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस, ठीक है, तो डीनिट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन का एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज सूडोमोनास, यूएसएलएस सूडोमोनास, द आंसर इज सूडोमोनास। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सो ये डीनाइट्रिफिकेशन है। उल्टा पूछा नाइट्रेट से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से नाइट्रेट नहीं। क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, टू टाइम्स, उसमें से की पॉइंट्स निकालो कि क्या क्या की पॉइंट्स है, उसके बाद आपको यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू लुक ऑन द ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस पे देखोगे तो आप ये ढूंढोगे कि ये कहां लिखा है, रादर देन लुकिंग एट द फोर ऑप्शंस एंड थिंकिंग ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के ही है। डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बट एंड में आता है, ठीक है, तो वहां पर आता है आपका सूडोमोनास। Which of the following are the most suitable indicators of SO2 pollution? Pollution के indicators, environment के bio indicators, they are the only one that is called as lichen. तो lichens भी आप detail में करते हो, lichens भी आपके दिन से पांच पांच तरह के भी होते थे, कोई तीन तरह के बताता है, कोई पांच तरह के बताता है, तो सारे के सारे आपको इन डिटेल, डिटेल डिटेल मीन्स उनकी जनरल चीज तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट। Bone related with skull, answer is pterygoid. This कोराकॉइड, ये भी आपकी बोन है, दैट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर्स, है ना, ये शोल्डर्स में होते हैं। और आर्टिनोइड्स कहां प्रेजेंट होते हैं और एटलस कहां प्रेजेंट होते हैं, एटलस इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम, आर्टिनोइड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स, वहां प्रेजेंट होते हैं। तो जो टेरिगॉइड दे आर प्रेजेंट इन द स्कल, तो देखो सारी की सारी बोन्स हैं और एक साथ कर दिए और आप कंफ्यूज, तो वो कंफ्यूज हो जाए एक बार पढ़ता है, व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग, है ना, एंड यू हैव, व्हेन यू हैव बेसिकली क्लैरिफाइड योर कंसेप्ट, फिर ये चीजें नहीं होती, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ मार्च, दिस इज अगेन द डायरेक्ट क्वेश्चन और फ्रॉम द डेज। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, लार्जेस्ट हर्बेरियम, ये आपका 11th का जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसमें जब आप बोटानिकल गार्डन ये सारी चीजें करते हो वहां पे हर्बेरियम टॉपिक आता है, तो वहां से वो उठाया गया आपका, एक काइंड ऑफ जीके स्टैटिक पोर्शन रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड, डेनमार्क, जनरल सा क्वेश्चन है, पता नहीं बायो के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किया है। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स, है ना, क्रैम्प्स आते हैं लेग्स में ड्यू टू द, ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो मैंने हार्डली 7-8 पेपर में देख लिया है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट, सबको पता भी होगा, आंसर इज
लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जब आपका एक्यूमुलेट हो जाता है एंड, और ये ना भी किसी ने, अगर किसी ने नहीं भी सुना है डोंट वरी, ये दिस इज योर पार्ट ऑफ योर मस्कुलर सिस्टम, जहां पे हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बाद जब हम वहां पर एक्सेप्शंस पढ़ते हैं तो आप मस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ते हो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो वहां पे क्रैम्प्स पड़ते हैं क्योंकि आपका लैक्टिक एसिड जो था वहां एक्यूमुलेट हो जाता है। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए विजन का, दैट इज 25 सेंटीमीटर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, अब सेल के अंदर एनर्जी करेंसी क्या है, दैट इज एटीपी कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन है ट्राइफॉस्फेट और इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ओ टू, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जब आप क्लास में आते हैं तो ऑब्वियसली जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया आपको करवाऊंगी तो उसमें सारी जितनी माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, जितने पॉइंट्स हैं वो सब बताऊंगी, सो दैट पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए यू आर एबल टू सॉल्व दैट इजीली विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, यू विल डेफिनेटली गोना लुक अपॉन द करेक्ट आंसर कि ये कहां लिखा है ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, देखो कैंसर जब ये कार्सिनोजेंस होते हैं या सेल्स होते हैं, ट्यूमर सेल्स है या ये कैंसर वाले सेल्स होते हैं, इनके लिए जो टेस्ट होता है डायग्नोसिस, दिस इज द बायोप्सी, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड और यूज्ड जो आपका एक्सक्लूसिव टेस्ट होता है कैंसर के लिए फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज योर बायोप्सी टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। अब मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया आपको, अब सलाइवरी अमाइलेज तो यहां कहीं है ही नहीं, अब सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, अब है आंसर इज टाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट इज शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन इन ब्लड, ब्लड के अंदर शुगर कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन, ठीक है, और इंसुलिन सेक्रेट बाय पैनक्रियाज, एक और एक इंसुलिन करता है पैनक्रियाज, दूसरा ग्लूकागन भी करता है, थायरॉक्सिन तो थायराइड से, ये तो आपका हार्मोन थायराइड वो करता है, ठीक है। इसका आंसर ए है इंसुलिन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मतलब एक ऐसी जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है वो कहां यूज हो सकती है वेक्टर में, यूजुअली वो कहां यूज करते हैं आप वेक्टर में, दैट इज बेसिकली यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स, जो ट्रांसफॉर्म्ड है ना, ट्रांसफॉर्म होते सेल्स उनको सिलेक्ट करने में उस तरह की जीन जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। ये हम करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ योर आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप वेक्टर जैसे प्लाज्मिड है उसको आप पढ़ते हो डिटेल के अंदर। गोल्डन राइस इज अगेन दिस इज योर फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्वेश्चन जो आपका टॉपिक है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओज बोलते हैं आप इनको, जीएमओज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वहां का पार्ट है, इसमें से कुछ डिटेल में राइस पे इसलिए क्योंकि करंट अफेयर के बहुत टाइम से करंट अफेयर में भी है, उस टाइम भी होगा 2017 में, आपको इस बार भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज देयर इज अ बीटा कैरोटीन, इसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज बीटा कैरोटीन, ये 2017 का पेपर है तो उस हिसाब से ये आपका पेपर बना, ठीक है। उसके बाद द रिमूवल ऑफ वीड्स, अब वीड्स क्या होते हैं, दे आर दी अनवांटेड प्लांट्स, तो उनकी रिमूवल जो है फील्ड से उसको क्या कहते हैं, ऑब्वियसली वीडिंग। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल डैश इज टू, इट इज एंथर, है ना, एंथर, ये एंथर है यहाँ पर, एनदर नहीं है, एंथर। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है ओव्यूल के साथ जोड़ा गया है, तो एंथर में क्या होगा, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल है या ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक है, तो एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन। अब कोई पूछे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी तो मेल होता है, एंथर इसलिए नहीं क्योंकि गायनोशियम नहीं है वहां पर, फीमेल गैमेटोफाइट में जब एम्ब्रियो सैक डाला गया, ओव्यूल डाला गया है, तो एंथर के अंदर क्या होंगे आपके, पोलन ग्रेन्स, तो आंसर इज दैट इज सी, पोलन ग्रेन्स। कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर यू विल गेट द ग्रेस मार्क्स, क्योंकि इसके अंदर दोनों विटामिन डाली गई है ए एंड डी, और इसका आंसर बी भी है और डी भी है, तो इसका आंसर बोथ है वैसे बी एंड डी, बी प्लस, यानी कि ये ऑप्शन बी और डी की बात कर रही हूँ मैं, विटामिन पूछी गई है तो कॉड लिवर ऑयल के अंदर ए और डी दोनों होती है, ठीक है, पर हो सकता है ए पे भी ज्यादा फोकस करो, तो इस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर ग्रेस मार्क्स भी मिल सकते हैं, तो कैसे बताओगे आप इसमें से कौन सा है, क्योंकि दोनों ही इसके लिए कॉड लिवर ऑयल के अंदर होते हैं, ठीक है। आई डोंट नो कैसे क्वेश्चन इन्होंने वो डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा,
ह्यूमन प्लेसेंटा यानी फेलोपियन ट्यूब, ये सारी ये जो है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वो नहीं सिक्रीट करते हैं। देखो ये सारे के सारे डीजर सिक्रेटेड होंगी प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पर, ये सारे प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद ये सारे सिक्रेट होते हैं एक्सेप्ट दिस दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है इसको, तो ये प्लेसेंटा नहीं करता। ठीक है ओके। ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट है ना, कभी कभी ओकेजनली अगर एक जीन ने एक से ज्यादा आपके इफेक्ट एक्सप्रेस कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। ये आप करते हो अगेन, दिस इज फ्रॉम योर क्लास 12th और वहां पर जेनेटिक वेरिएशंस जो होती है वहां से ये क्वेश्चन है, प्लियोट्रॉपिक एनिप्लॉयडी पॉलीप्लॉयडी ये वो कुछ टर्म्स है, दिस इज अ जनरल टर्म जो आप बायोलॉजी के अंदर करते हैं। व्हाट कॉजेस पोलियो, पोलियो इज कॉज्ड बाय द वायरस। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज है, बहुत से बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, सॉल्व करने की तो बहुत दूर की बात है, जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो आप हमेशा से पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल अब पोलियो है या कुछ भी है, इट इज कॉज्ड बाय, आप ना कॉजल एजेंट पढ़ लो, कॉजल एजेंट एजेंट जो है, यू विल रीड अबाउट दैट बट यू विल नॉट रीड अबाउट द नेचर और कैटेगरी, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो जिबरलिन है वो कहाँ से आपका आइसोलेट किया गया है, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना कि जिबरलिन हैज बीन ओरिजिनेटेड या फिर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। बेसिक क्वेश्चन है, जिबरलिन आपका एक प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से एक्सट्रैक्ट किया है, एल्गी से है, बैक्टीरिया से है, फंगस से है या वायरस से है। अब आप क्या करेंगे, आप जिबरलिन का वो तो निकाल लेंगे कि कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है, पर वो प्लांट या कुछ भी है, ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका नेचर क्या है, वेदर इट इज एल्गी, वेदर इट इज फंगस और इट इज बैक्टीरिया और वायरस, हम वो कभी नहीं पढ़ते और क्वेश्चन वहां से आ जाता है। इसको कहते हैं पढ़ते हुए भी चीजें नहीं पढ़ना, तरह में लगेगा ये हमने किया था पर इसमें तो कुछ और ही क्वेश्चन आ गया। तो दिस इज हाउ, ये कुछ लैकिंग होती है आपकी तैयारी में जो फुलफिल करनी होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, लेबिया, फिम्ब्रे, इनपंडिबुलम, इस सबस। अगर आप ध्यान से इनके ऑप्शंस को देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तीनों तीनों जो है दे आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेयर एज लेबिया माइनोरा इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट इट इज द एक्सटर्नल पार्ट। तो अगर तीन मेजोरिटी में चले गए इंटरनल के तो ऑड वन क्या हुआ, लेबिया जो कि एक्सटर्नल है। अगर यहाँ तीन एक्सटर्नल होते एक इंटरनल होता फिर ये होता, तीनों में से कोई भी एक। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल इंटरनल। विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, CO2। विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैच, किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, एवरीबडी नोज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी डिस्पोजेबल बैग्स। अब वाई दे आर कॉलिंग एज सुसाइडल बैग्स, बिकॉज दे हैव दी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन दी सेल, अगर इंटर होता तो इंटर का मतलब होता है, देखो इंटर स्टेट, इंटर का मतलब टू स्टेट्स या टू सेल्स के बीच में, इंटर सेल का मतलब है दो सेल्स के बीच में, इंट्रा का मतलब है विद इन दी सेल, विद इन दी सेल, अब ये सेल के बीच में, तो विद इन दी सेल कैसे होती है, इंट्रा सेल और डाइजेशन कैसे होती है, विद इन दी सेल क्यों होती है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक फॉर एग्जाम्पल लाइपेसिस। ठीक है, आंसर इज बी, दैट इज लाइसोसोम्स। नेम द एनिमल सेल व्हिच चेंजेस इट्स शेप, अब देखो सारे के सारे एनिमल सेल्स हैं, इसमें से ऐसा सेल बताना जो अपनी शेप चेंज करता है, तो इसका आंसर है आपका WBC, है ना, ल्यूकोसाइट्स। ये करते क्योंकि दे आर द सोल्जर्स ऑफ योर ब्लड और बॉडी, तो जब भी किसी तरह का पैथोजन आएगा तो दे विल एक्ट एज अ सोल्जर टू फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजन, फैगोसाइटोसिस, और अपनी अमीबॉइडल शेप में वो उसको फैगोसाइटोसिस करते हैं, सो दे चेंजेस देयर शेप। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चंस क्यों उसके अंदर, बट चलो ठीक है, फॉसिल्स जो है आपके वो एवोल्यूशन से भी है, तो आई कैन कंसीडर कि वहां से एवोल्यूशन में से फॉसिल्स वाला क्वेश्चन ले लिया होगा। तो बेसिकली दे आर जनरली फाउंड इन दी सेडिमेंटरी रॉक्स। स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेंड फ्रॉम, सी मैं रेफरेंस बता देती हूँ, दिस इज फ्रॉम योर क्लास 12th, वहां से आपका लिया गया है ये क्वेश्चन, है ना, क्लास 12th और क्लास 11th, क्लास 11th और 12th में से किसी एक में से आपका जो है, दिस इज योर क्वेश्चन, तो दिस इज दी स्मैक जो है 11th 12th की बायोलॉजी के अंदर ये है। ठीक है, स्मैक जो है वो ड्रग है, दैट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द पॉपी प्लांट, एंड द पॉपी प्लांट नेम्ड एज दी पेपेवर सेमिनिफेरम, दैट इज लेटेक्स ऑफ पेपेवर सेमिनिफेरम।
व्हाट इज द नेम ऑफ मेल हार्मोन? तो फोकस किया गया है मेल हार्मोन के ऊपर, इसमें कौन सा है? एनीबॉडी कैन आंसर, टेस्टोस्टेरोन. हु डिस्कवर्ड सेल? अगेन अ साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक. हुक नहीं है, हुक है. और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है कमेंट करके बताना. रॉबर्ट ब्राउन ने भी कुछ डिस्कवरी की है, क्या की है? जो वीडियो देख रहे हैं, जो टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताना कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है. द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड. देखो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये आपका है जीएमओ का पार्ट है. दिस इज द जीएमओस, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये उसका पार्ट है. ठीक है, सो दिस इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है, कॉटन, जैसे बीटी कॉटन है, इसको बीटी ब्रिंजल भी बोलते हैं. ठीक है, दैट इज बीटी कॉटन, जैसे आपका ना बेसिलस थुरिंजिएंसिस कॉटन है, ये सबसे पहले आपके क्रॉप है. उसके बाद बहुत से बीटी मस्टर्ड आ गया, ब्रिंजल आ गया. ये कह रहे हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है, जो कॉटन में होता है, कॉटन में क्या होता था, इंसेक्ट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर भी क्या होती है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है. ठीक है, अगर इसका करंट अफेयर बताने की कोशिश करो, देखो इस पे ना एक डिबेट में चल रहा है कि जो बीटी ब्रिंजल है उसको अभी वो लाइसेंस नहीं मिला है कि वहां पे वो ग्रो कर सके, है ना. जैसे बीटी कॉटन को यू हैव द एनीबॉडी हैज द लाइसेंस कि आप ग्रो कर सकते हो उसको, क्योंकि कॉटन का यूज एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है. अगर आप ब्रिंजल और मस्टर्ड की बात करेंगे तो कंज्यूम, तो देयर आर सम काइंड ऑफ डाउट्स. फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ इट हैज बीन कंज्यूम्ड एंड इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, एंड व्हाट इफ दोज जेनेटिक डिसऑर्डर्स विल क्रिएट सम काइंड ऑफ म्यूटेशन इन योर बॉडी, ऑब्वियसली म्यूटेशन होगा, एंड अ काइंड ऑफ डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर, तो फिर उसका क्या होगा, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स. तो इसलिए भी इसमें थोड़ा वो है, बट बेसिकली जो जिसकी ग्रोथ है, व्हाई इट हैज बीन डन, इट हैज बीन डन और इट हैज बीन मॉडिफाइड जस्ट फॉर द इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट. ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट आप इंसेक्टिसाइड वो करते हो. द लंग, द कवरिंग ऑफ लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लूरा, जनरल है. What, which one is the most important role of microorganism for the well-being of humans? Humans के लिए most important role क्या है? Well-being, यानी health से related है. The answer is conversion of milk into curd. ठीक है, milk से curd convert करने के लिए जो आपका ये curd in the curd कौन सा bacteria होता है? That is lactobacillus. अगर हम bacteria की बात करें, this is bacteria. और दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर कौन सी vitamin होती है? That is vitamin B12. और एसिड कौन सा होता है कर्ड के अंदर? इट इज लैक्टिक एसिड. तो ये जब हम करते हैं ना क्लास में, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, दिस इज योर लैक्टिक एसिड. द आंसर इज डी, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. ऑब्वियसली मिल्क, दही खाओगे तो हेल्पफुल ही है वो, वेलबींग. एंड दिस इज फ्रॉम योर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्लास 12th. द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मिथेन प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल डंग जो बच जाएगा उसमें से मिथेन का, उसको आप काउ डंग मैन्योर की तरह यूज करते हो. अभी कैटल डंग के अंदर मिथेनोजन, ये मिथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं बिकॉज देयर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एज मिथेनोजन्स, जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं आपके कैटल डंग के अंदर. एंड दीज मिथेनोजन्स हैज बीन क्लासिफाइड अंडर द बैक्टीरिया कॉल्ड एज आरके बैक्टीरिया. And आरके bacteria are classified under the kingdom called as Monera kingdom. आप जितने बच्चे prepare कर रहे हैं वो मुझे ये बताएंगे कि how the आरके bacteria are different from the other bacteria और why आरके bacteria are called as special bacteria. They are called as special bacteria due to the presence of, अब ये एक तरह का आपका MCQ से सोच लो, most expected question, you can think about this as a most expected question for your exam. कि हाउ दी आर के बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर बैक्टीरिया, इनको अदर मतलब कि आपको पता है किंगडम मोनेरा के अंदर दो बैक्टीरिया होते हैं, आर के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. अभी अलग अलग क्यों किया किंगडम में, इसमें मोनेरा में सारे बैक्टीरिया को एक साथ क्यों नहीं पढ़ लिया, अलग अलग क्यों किया? तो मुझे उसका आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि वाई दे आर डिफरेंट, आर के बैक्टीरिया स्पेशल ऐसा क्या उसके अंदर. ठीक है, इसका आंसर सी है. द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कितना होता है लीटर में? 5 to 6 liters. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट? हार्ट को कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, जब आप करते हो सेरेब्रम एंड सेरेब्रम वहां पे ये मेंशन होते हैं उसके फीचर्स. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन. टू इंक्रीज द शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन, अगर शुगर केन की प्रोडक्शन में शुगर की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी शुगर केन के अंदर, दे आर स्प्रेड विद द जिबरेलिन. राइपनिंग है, ये भी तो राइपनिंग है जिबरेलिन.
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ये भी सारे डाइजेस्टिव, डायरिया, जॉन्डिस, डायसेंट्री, पेट से रिलेटेड है, सिर्फ टेटनस नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज टेटनस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। ये कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बट थ्रू, मतलब एसेक्सुअल के आगे पार्ट्स है ना, बडिंग, बाइनरी फिजन। तो वो कह रहे हैं कि जो बडिंग है उससे इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली। आंसर इज ईस्ट। ये मैंने आपको बता दिया। एंड दिस ईस्ट एक्चुअली क्लासिफाइड अंडर द एस्कोमाइसिटीज ऑफ फंगस क्लास, है ना, स्टैक फंजाई भी बोलते हैं इसके साथ, इनको ईस्ट को जो है क्लासिफाई किया जाता है ना, एस्कोमाइसिस में। फंगस की बता रही हूँ मैं, ये फंगस किंगडम फंगस के अंदर आता है आपका, ठीक है, नॉट किंगडम, दिस इज योर कैटेगरी, दैट इज योर, हाँ, किंगडम फंजाई के अंदर आप पढ़ते हो। एस्कोमाइसिस दूसरी क्लास है जिसके अंदर ईस्ट को वो रखा जाता है। एंड दे बेसिकली रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ अमीबा रिप्रोड्यूस, हाउ प्लाज्मोडियम एंड मस्किटो, रेस्ट ऑफ दीज हाउ दे रिप्रोड्यूस, कमेंट करके बताना। दिस इज हाउ यू एक्चुअली स्टडी, दिस इज हाउ वी एक्चुअली प्रिपेयर द पीवाईक्यूज, एंड दिस इज द राइट मेथड कि आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हो। ये नहीं देखना है कि कौन सा सही है, ये भी तो देखो अदर ऑप्शंस क्या करने हैं। अब देखो ना तरीका है, अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आ गया इसका आंसर अमीबा हो, तो यू हैव टू स्टडी अबाउट अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड मस्किटो, दीज आर टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरियर्स ऑफ जीन, जीन को कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम्स, दैट क्वेश्चन। द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रोक्सिमेटली 6 एंड दिस इज फ्रॉम योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम जनरल फीचर्स में ये पढ़ते हैं, एसिडिक। नी जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट्स किसके एग्जांपल्स हैं, हिंज जॉइंट के, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स और वो है ना। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, अब भी बता के हटी हूँ पीछे, आंसर इज लैक्टिक एसिड। एंड एरिया इन ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ कौन सा एरिया जो है दैट इज एसोसिएटेड, एंड द आंसर इज लिम्बिक सिस्टम। वी बेसिकली स्टडी इन द नर्वस सिस्टम। ये जब आपको नर्वस सिस्टम करवाऊंगी ना मैं, उसमें हम सारे पढ़ेंगे, डोंट वरी, हर एक चीज को करवाऊंगी, सेरेब्रम, सेरेबेलम के सारे पार्ट्स करेंगे, तो आपको सबकी क्लासिफिकेशन, सबकी यूजेस, सबके एप्लीकेशन पता होगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको पता होगा, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता क्या है, सेरेबेलम का क्या फंक्शन है, मेडुला का क्या है। अब ये तो पता लग गया कि करेक्ट आंसर लिम्बिक है, बट व्हाट अबाउट द थ्री, रेस्ट ऑफ थ्री। कॉकरोचेस के अंदर एयर एंटर्स द बॉडी, कैसे एंटर करता है, थ्रू द स्पायरेकल्स। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन एंड इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज वीडियो, दिस इज काइंड ऑफ द योर क्वेश्चंस जो आपके आए हैं पीवाईक्यू के अंदर, एचपी टेट के अंदर। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत डिफिकल्ट नहीं है पर इजी भी नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे यू कैन इजिली एनरोल इन द क्लासेस, एंड हियर इज अ काइंड ऑफ यू नो इट इज अ काइंड ऑफ अनाउंसमेंट कि एचपी टीजीटी कमीशन के लिए आपका, चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स एंड कॉमर्स है, सबके लिए एक नया बैच जो है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम द 24th of April 2023, ठीक है। चाहे मेडिकल है ना, तो बायो उसमें आता है, ऑब्वियसली बायो तो मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आप किसी के लिए भी प्रिपेयर करो, यू कैन इजीली एनरोल ऑन आवर चैनल, ठीक है। और बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड आवर चैनल ऑल्सो, ठीक है। तो अभी क्या है कि जिनको प्रॉब्लम लग रही है, आप जब एनरोल करेंगे ऑब्वियसली जब आप क्लास में आएंगे तो हर एक चीज को डिटेल में करवाया जाएगा, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन जो वो पेपर में आ रहा है यू कैन इजिली ऑब्वियसली इजिली सॉल्व देम। तो ये हर एक की स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपको वो पेपर, आप एक्चुअली पेपर क्वालिफाई करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।